चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चट्टी चटाई। Hi, so we are in yet another Bollywood shoot location and we are in Blenheim Palace in Oxford. कभी खुशी कभी गम में जो ये गाना था, दीवाना है देखो थोड़ा यार वो, ये गाने की शूटिंग इसी जगह पे हुआ था। इस लोकेशन को मूवी में किंग्स कॉलेज बोल के बताया गया था। हावेवर ये एक पैलेस है और ये ऑक्सफोर्ड में है। तो चलिए मैं आपको ये पैलेस के आसपास जो भी है वो दिखाती हूँ। और आसपास बहुत ही प्यारा गार्डन है, पार्क है, बहुत बड़ा लेक है। ये पैलेस में विंस्टन चर्चिल का जन्म हुआ था। ये एक नॉन रॉयल पैलेस है। अभी हम पैलेस का जो फॉर्मल गार्डन है उसके तरफ जा रहे हैं। ये पैलेस के अंदर है और ये बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही प्यारा सा लेक है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप पैलेस के अंदर भी जा सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स रूम हैं जो विजिटर्स के लिए ओपन हैं। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर और ग्रैंड है। सो यहाँ पे कभी खुशी कभी गम का शूटिंग तो हुआ ही था उस गाने का। उसके अलावा जेम्स बॉन्ड, गुलिवर्स ट्रैवल, ये सब मूवी की शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी। और एक्चुअली फैन में एक सीन था जहाँ पे शाहरुख खान, जो एक्टर शाहरुख खान होता है, वो जब एक वेडिंग डेस्टिनेशन में कुछ परफॉर्म करने जाते हैं तो वो वाली शूटिंग यहीं पर हुई थी। Guys, this is King's College Radio. It's 9:45 and who's just entered college? गाने का जो ये पार्ट है, ये ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में शूट हुआ था। So British Museum is one of the oldest museum in the world. It was opened in 1759. जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो रूफ है ये बहुत ही सुंदर है। ये बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, इन्होंने काफ़ी रेनोवेट किया है अंदर और इट लुक्स लाइक स्टनिंग। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज के बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो आप अगर लंदन में हैं तो डेफिनेटली ब्रिटिश म्यूज़ियम विज़िट करें। चलिए देखते हैं बाहर से ये म्यूज़ियम कैसा दिखता है। सो बाहर से म्यूज़ियम ऐसा दिखता है, ये बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है। चलिए अब अगले शूट लोकेशन पे जाते हैं। ये लंदन ब्रिज में है और ये हेज गैलरिया है लंदन ब्रिज में। एक चेहरा दिल में रहता है जो यार, शायद कहीं उसको है हम। सो यहीं पे किसी कैफे में ये पर्टिकुलर सीन। हेज गैलरिया, यहाँ पे अभी बहुत सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स है। हालांकि ये ओल्डन टाइम्स में वेयर हाउस के तरह यूज़ होता था। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन लंदन ब्रिज है। यहाँ से अगर आप वॉक करते हैं तो 2 मिनट की दूरी पे टावर ब्रिज है, जिसे अक्सर हम लंदन ब्रिज सोचते थे इसका नाम है, पर एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड टावर ब्रिज। I will add all the location details in the description box below. If you like this video, then please do like and subscribe my channel.
और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोकेशन के साथ और वीडियोस बनाती रहूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।